आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरकार और विपक्ष के बारे में। जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो वो पार्टी अपने किए हुए वादों को पूरा करने में लगी होती है, तो विपक्ष अपने आप को बचाने के लिए सरकार पर हमला करते हुए नजर आता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सरकार और विपक्ष को लेकर। सरकार जब चुनकर आती है तो सरकार के जो फैसले होते हैं वो जनता को या तो परेशान करते हैं या फिर उस वक्त जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी का नारा लगा करता था कि सरकार जो है महंगाई की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अक्सर बीजेपी के बहुत सारे नेता कांग्रेस पार्टी को घेरे रहते थे कि सरकार जो है गैस की कीमतों को बढ़ा रही है, पेट्रोल के दामों को बढ़ा रही है, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है। ऐसे कई मुद्दों को लेकर बीजेपी हर वक्त जो है कांग्रेस पार्टी को घेरा करती थी, लेकिन आज कुछ और बात है। विपक्ष इतना शांत बैठा हुआ है कि सरकार की नीतियों पर उंगली उठाने की बजाय जो है सरकार का सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। आज महंगाई की अगर हम दर को देखेंगे तो महंगाई आसमान को छू रही है। सब्जी तरकारियों को छोड़कर दालों की कीमतें हों, पेट्रोल की कीमतें हों, डीजल, क्रूड ऑयल की जितनी भी सारी पदार्थ हैं, जो सब्जी तरकारी को छोड़कर की कीमतें जो है आज लगभग बढ़ी हुई है। लेकिन जनता ये समझ नहीं पा रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने 15 लाख रुपए का जो चॉकलेट दिया है, आज भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये उम्मीद होगी कि हमें 15 लाख मिलेंगे। क्योंकि बीजेपी जब सत्ता में नहीं होती है तो उस वक्त उसके चुनावी जुमले, उस वक्त जो है बीजेपी किस तरह के स्ट्राइक करती है और उनके बहुत सारे जो मंत्री हैं, जो नितिन गडकरी हो, शाहनवाज हुसैन हो, स्मृति ईरानी हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, ये बहुत सारे मंत्री हो जो आज के मंत्री हैं, उस वक्त विपक्ष में जब थे तो उनकी क्या नीतियाँ थी, उनके कैसे जो है सरकार पर हमला किया करते थे, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। हमारे देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। अभी अभी एलपीजी के रेट्स को बढ़ाया गया है, अब एलपीजी के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। महिला मोर्चा देश भर में, हर जिले में, हर मंडल में एलपीजी के बढ़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन होगा। देश में बढ़ती हुई महंगाई और उसमें विशेष रूप से पेट्रोल, डीजल और गैस, इनके जिस प्रकार से कीमतें बढ़ाई गई जिसके कारण आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ है, जनता त्रस्त है और महंगाई के कारण हाहाकार मचा हुआ है। मैं सोनिया जी से और मनमोहन जी से ऐसी उम्मीद करता हूं कि एफडीआई इन रिटेल का जो निर्णय है सरकार उसको रोल बैक करे, वापस ले। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है, यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि नितिन गडकरी हो, बाबा रामदेव हो, जिन्होंने जो है इंडिया टीवी के अंदर ये बात कही थी कि आपको पेट्रोल 30 रुपये का चाहिए या 100 रुपये का,
जनता आप समझ गए होंगे कि आज पेट्रोल की कीमतें 30 नहीं है बल्कि 100 के करीब है। स्मृति ईरानी जो है गैस के दामों की बात कर रही थी, दिसंबर के इसी एक तारीख से यानी कि 2019 के लास्ट महीने दिसंबर एक तारीख से तमाम गैस की कीमतों में 50 रुपये की वृद्धि केंद्र सरकार ने की है। ये कौन सी रणनीति है जो विपक्ष आज भी इस पर खामोश है? और बीजेपी 2014 के पहले विपक्ष में थी, उस वक्त इतने सारे मोर्चे निकालकर सरकार को घेरा करती थी, लेकिन आज का विपक्ष सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बन गया है, ना कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है और ना ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है। ये सारी चीजें अब जनता को ही तय करनी होगी। जब कोई पार्टी सरकार में सत्ता में आ जाती है तो उसकी चुनावी जुमले कुछ और होते हैं, जब सत्ता में बैठ जाती है तो उन चुनावी जुमलों को पूरा कर नहीं पाती। हम इस न्यूज से आपको यही बताना चाह रहे थे कि सरकार और विपक्ष इनका दोहरा रंग लोगों के सामने होता है। अब तय जनता को करना है कि किस तरह से इनकी नीतियों को पहचानना है। आज के लिए बस इतना ही, और देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए। आजादी बचाओ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।